2025 तक पूरी दुनिया में 11 मिलियन से ज्यादा डेटा प्रोफेशनल्स की नीड होने वाली है अगर आप लोगों को लगता है कि डेटा साइंस डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा इंजीनियरिंग एक ही टाइप की जॉब है

अपनी वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे स्किल सेट की तो हर रोल के लिए अलग अलग स्किल सेट की तुम्हें तो नीड पड़ेगी अगर साथ की बात करें, तो यहाँ चाहिए डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स जैसे पावर बी एंड टैबलू में बहुत ज्यादा प्रोफेशन होना पड़ेगा एंड फाइनली हमारे आ जाते हैं डेटा इंजीनियर्स डेटा इंजीनियर्स कोडिंग आनी ही चाहिए कोडिंग में बेसिकली आप लोगों को चाहिए पाइथन एंड इसके साथ सा न, इसके साथ डेटा सा एंड बिग डेटा टूल्स जैसे हडूप स्पार्क की नॉलेज होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है अब आप लोगों के लिए कौन सा बढ़िया है अगर आप को में और इंटरेस्ट आता है तो आपके लिए डेटा इंजीनियरिंग सही है फिर मशीन लर्निंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप डेटा साइंटिस्ट वाले रोल को एक्सप्लोर कर सकते हैं अब एक आप लोगों के दिमाग में डाउट जरूर होगा कि ग्रोथ किसमें कितनी ज्यादा मिल सकती है बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई लाइक टू टेल यू अब क्राउड डू विच इज अ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म People learn by doing. So, Cryo has launched a fellowship program in next gen data analytics with AI. वे यू विल बी बिल्डिंग टेन प्लस वर्क लाइक प्रोजेक्ट्स एंड ट्वेंटी प्लस माइक्रो स्किलिंग एक्सरसाइजेस एंड बस इतना ही नहीं है तो मैं करियर गाइडेंस के लिए एट्टी प्लस गाइडेड सेशन मिल रहे होंगे विद मॉक इंटरव्यूज रेज्यूज एंड मच मोर सो टोटल नाइन मंथ का प्रोग्राम होने वाला है विच विल ट्रांसफॉर्म योर करियर एंड दे है मेनी स्टूडेंट्स आर प्लेस इन कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट वॉलमार्ट एंड गूगल तो गो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड बुक योर फ्री ट्रायल नाउ आप सबसे पहले डेटा अनालिस्ट की ही बात कर लेते हैं इनकी एवरेज जो सैलरी है स्टार्टिंग वाली वो सिक्स टू टेन एलपी हो होती है जो हो सकता है डेटा इंजीनियर डेटा कंपैरिजन में आपकी सैलरी पंद्रह बीस लाख तक काफी जल्दी पहुंच जाएगी नेक्स्ट हमारा आता है डेटा साइंटिस्ट डेटा साइंटिस्ट को इंडस्ट्री में भी काफी ज्यादा डिमांड मिल रही है जैसे जैसे, आप जैसे साथ -साथ आप आपकी एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी सैलरी स्काई रॉकेट होने लग जाएगी जो एंट्री लेवल सालरी आप लोगों को यहाँ पे मिल रही होती है वो एट लाख से फिफ्टीन लाख के बीच में रेंज कर सकती है एंड बस तीन से पांच साल एक्सपीरियंस के अंदर आप लोगों की एनुअल सैलरी थर्टी लाख प्लस Easily जा सकती है एंड सीनियर पोजीशंस में लाइक लीड डेटा साइंटिस्ट या चीफ डेटा साइंटिस्ट की जो सैलरी वो पचास लाख से एक करोड़ प्लस भी होती है पर आनम अब थर्ड आ जाता है हमारा डेटा इंजीनियर डेटा इंजीनियर की भी जो डिमांड है वो सेम ही है बाकी दोनों के यहाँ पे जो आपको एंट्री लेवल सैलरी मिल रही होती है वो काफी डेटा साइंटिस्ट के सिमिलर ही होती है इट इज ऑल्सो एट टू फिफ्टीन लाख पर एनम अब इनका भी जो रोल होता है वो काफी ज्यादा टेक्सा भी होता है जैसे जैसे आपका स्किल सेट इंप्रूव होता है आपको टूल्स ज्यादा अच्छे से यूज करने आ जाते हैं जैसे हडूप या स्पार्क एंड इसके साथ ए डब्लू एस एस देन जो आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन है जो आपकी सैलरी

कुछ फ्री रिसोर्सेस भी हैं, कुछ पेड रिसोर्सेस भी हैं जिनसे आप पढ़ सकते हो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी डेटा साइंस की डेटा साइंस में आपके पास आ जाता है कोर्सेरा कोर्सेरा का है इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस बाई आई बी एम का कोर्स ठीक है जो भी जितने भी लिंक्स होंगे ना वो आप लोग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वहां पर आप जाके चेकआउट कर सकते हो ये आपके सारे डेटा साइंटिस्ट रिलेटेड सारे बेसिक जो कॉन्सेप्ट सब कवर कर देता है ये वाला बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है जो डेटा वाली फील्ड में एंट्री लेना चाहते हैं नेक्स्ट हमारा आता है केगल पाइथन फॉर डेटा साइंस केगल पे आप लोगों ने हैंड्स ऑन ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं जहां पे आप लोग इंटरेक्टिव तरीके से पाइथन को सीख सकते हो एंड पाइथन डेटा साइंस के लिए एक मस्ट हैव है नेक्स्ट हमारा आता है EDX पे तुम्हारा डेटा साइंस असेंशियल बाय माइक्रोसॉफ्ट ये वाला कोर्स काफी ज्यादा सिमिलर है कोर्सरा वाले से एंड फाइनली आ जाता है एक और रिसोर्स जिसका नाम है डेटा साइंस रोड मैप ये आप लोगों को ढप पे मिल जाएगा जब आप इस वाले लिंक पर क्लिक करोगे तो यू विल हैव एवरीथिंग पूरा एक रोड मैप बता दिया कैसे आपको क्या चीजें करनी है सारी चीजें कैसे करनी है कहाँ पे क्या करना है उसको आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं नेक्स्ट हम आ जाते हैं डेटा एनालिस्ट पे डेटा एनालिस्ट में सबसे पहले जो आपका कोर्स आता है वो आता है गूगल डेटा एनालिटिक्स सर्टिफिकेट या कोर्सरा पे ही आप लोगों का ये वाला जो पूरा सर्टिफिकेशन है वो गूगल ने बनाया हुआ है तो क्रेडिबिलिटी तो है ही इसमें एंड कोर्सरा पे आप जाकर कर सकते हैं फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड दिस इज परफेक्ट फॉर बिगिनर्स नेक्स्ट आ जाता है टैबलू पब्लिक ये एक बेसिकली फ्री डेटा विजुअलाइजेशन टूल है जहां पे आप लोग डेटा को विजुअलाइज कर सकते हो एंड इंटरटिव डैशबोर्स वगैरह बना सकते हो एंड इसके साथ साथ इन्होंने बिगिनर्स के लिए ट्यूटोरियल्स भी बना रखे हैं जिससे आप सीख भी सकते हो थर्ड पे आ जाता है हमारे यूट्यूब चैनल इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को काफी सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे आप यहाँ से भी डेटा एनालिटिक्स रिलेटेड बहुत सारी चीजें सीख सकते हो एंड फाइनली केगल पे आप लोगों को मिल जाएगा इंट्रो टू एसक्यूएल एसक्यूएल एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट तो इसको भी आप लोगों को मास्टर करना पड़ेगा ये बिगिनर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट कोर्स है ये आप लोगों को एसक्यूएल के बेसिक्स सिखा देगा थर्ड हमारा आता है डेटा इंजीनियर डेटा इंजीनियरिंग के लिए गूगल का ही कोर्स कोर्सेरा पे जिसका नाम है डेटा इंजीनियरिंग विद गूगल क्लाउड एंड इस वाले कोर्स में आप लोगों को बेसिक सारी चीजें जीसीपी पे नेक्स्ट है यूट्यूब चैनल है दो चैनल में आप लोगों को बता देता हूँ दोनों मेरे फ्रेंड है, एक e है वहाँ पे डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा इंजीनियरिंग रिलेटेड काफी सारी आप लोगों को वीडियो मिल जाएंगी एक चैनल आता है दर्शील परमार का जहाँ पे वो भी बहुत सारे एंड प्रोजेक्ट्स वगैरह बना देते हैं रिलेटेड टू डेटा इंजीनियरिंग दोनों का आप चेकआउट कर

वहाँ पे हम लोगों ने आप लोगों के लिए एलग उप्रेप एक्स रिसेंटली लॉन्च किया था वेर यू कैन लर्न एनीथिंग रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एट वन प्लेस एंड दैट टू एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस सो या दिस वाज इट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी डू चेकआउट कराओ डॉट डू आप लोगों को लिंक मिल जाएगा फ्री ट्रायल के डिस्क्रिप्शन में मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में तब तक के लिए